वैभव, वैभव से कुछ कहना है। रोहित भाई और आया भाभी की बच्ची, हमारी बच्ची। हमारी बच्ची मतलब? हाँ वैभव, श्रेया एकदम सही कह रही है, वो तेरी और श्रेया की बेटी है। वैभव, श्रेया का कहने का मतलब यही है कि हमारी बच्ची भी तो तुम्हारे बच्ची जैसी हुई ना। वैभव, तुम्हारी बच्ची जैसी ही हो, हम सब मिलकर बड़ा करेंगे उसे। देख, मैं जानता हूं कि हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, वो सब भूल जा। तेरे इस मुश्किल की घड़ी में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। प्लीज, तुम दोनों अपने आप को अकेला मत समझो, तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम दोनों के साथ खड़ा है। देख वैभव, प्लीज तू रो मत मेरे भाई। देख, तू एक काम कर, तू उस बच्ची को अपनी बेटी समझ और उसे जैसा बड़ा करना ना वैसा बड़ा कर, कोई नहीं रोकेगा तुझे। इनफैक्ट तू खुशियां मना, खुशियां मना कि हम सबको बच्ची हुई है। देख, तेरा ये बड़ा भाई बच्ची की आने की खुशी में क्या करता है। देखा समधी जी, हमारी पोती के आते ही मेरे घर की सारी लकीरें मिट गई, मेरा परिवार फिर से एक हो गया। मुबारक हो आप लोगों को, लक्ष्मी माँ की परम भक्त के यहाँ छोटी लक्ष्मी आई है। आप, मैं कर लूंगी ना। मुझे फिक्र है मेरी बेटी की। देख रही है माया बू, बेटी की आने की कितनी खुशी है रोहित को कि घर की सारी लकीरें मिटा दी उसने। भाई श्रेया के लिए तो अच्छा ही हो गया, ऑल लाइन क्लियर। अब तो दिन भर तेरी बेटी की इर्द गिर्द मक्खी की तरह मंडराती रहेगी। मैं तो कहती हूँ उसकी नजर उतार के रखना, काला टीका लगा लेना। दीदी, माया बेटा, ये बेटी के शुभ कदम है, इन्हें हमेशा अपने पास रखना। मम्मी, थोड़ा तो खर्चा कर लेते। I mean, आजकल तो लोग सिरामिक पे अपने बच्चों के पैरों के निशान लेते। अब वो क्या है कि वो हमेशा के लिए रख भी सकते और वॉल पे फ्रेम भी कर सकते हैं। अब ये कपड़ा मैं कब तक संभाल कर रखूंगी। इट्स ओके भाभी, मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों रखोगी, मैं माँ हूं ना इसके। कोई बात नहीं,
मैं संभाल लूंगी ये कपड़ा भी। बच्ची तो श्रेया की है, कायदे से आरती तो बच्ची और श्रेया के साथ में उतारनी चाहिए थी मुझे, पर कैसे करूं ये? इसने तो सुसु कर दी मुझ पर। आते ही वेलकम गिफ्ट दे दी मम्मी को। इसने तो मेरी पूरी साड़ी गीली कर दी। मैं दो मिनट में साफ करके आती हूँ। अब ताई जी आप दो मिनट इसे पकड़ लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कहा, अगर मेरे कपड़े खराब हो गए तो। भाभी लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं ले लेती हूँ। आप अपना कपड़ा साफ कर लीजिए। नहीं नहीं, अदिति है ना, अदिति पकड़ लेगी। अदिति लो पकड़ो पकड़ो जल्दी। अरे आदत डाल लो अदिति, फ्यूचर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे इसने मेरे ऊपर भी सुसु कर दिया। अरे बुआ पसंद आ गई। अरे बच्चे प्यार का बरसात ऐसे ही करते हैं। हाँ कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रही है। अब मैं भी कपड़े साफ करके आती हूँ। ताई जी सॉरी, ना 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 ना, मुझे तो नहाना पड़ेगा दोबारा। नहीं नहीं नहीं, ये ले जाना। श्रेया तुम पकड़ो ना, मैं साफ करके आऊँ अपने कपड़े। पकड़ो ना। माता के अंश ने अपनी बाल लीलाएं शुरू कर दी है, कैसे भी करके अपनी माँ की गोद में पहुँच ही गई। वैभव देखो ना कितनी प्यारी है हमारी। अब माया भाभी की बच्ची कितनी प्यारी है। इतनी प्यारी बच्ची है। नहीं अच्छा, रोहित की बच्ची है घर में। बच्चा घर में हो तो मन बहल जाता है। ठीक है मैं चलता हूं बेटा। अच्छा देख, वैसे तो मैं जानता हूं कि तू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी भी अगर मन उदास हो ना तो बस आंख बंद करके पापा को याद करना। तो ये तो पता ही है तेरा पापा तेरा जीनी है, तो जैसे याद करेगी मैं प्रकट हो जाऊंगा तेरे सामने बोलता हुआ कि क्या हुक्म है मेरे आका, आ गया तेरा पापा। ध्यान रख बेटा।
बाय पापा। मम्मी, घर के बाहर इस वक्त गाय आई है, ये तो सुबह आती है ना? उन्हें तो आना ही था। मम्मी, क्या कर रहे हो आप? अरे, लक्ष्मी माता और गौ माता का बहुत पुराना नाता है, इनकी पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। अरे वाह, गौ माता आई है, लगता है इनको पता चल गया हमारे घर छोटी लक्ष्मी आई है, उनसे मिलने आए लोग। सही कहा आपने दामाद जी। चल बेटा। क्या हुआ मम्मी? गौ माता भी हमारी छोटी लक्ष्मी से मिलना चाहती है। अच्छा, ओ माया बहू, तूने अपना स्वच्छ भारत अभियान ही चलाती रहे। वो देख, वो श्रेया तेरी बेटी को उठा उठा के घूम रही है। गुस्सा आ रहा है ना? सैड। श्रेया लाओ दो मुझे मेरी बच्ची। दो? इतनी एनर्जी आती कहाँ से है तुम में? मस्ती 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 चल रही है। हाँ, सो क्यों नहीं जाती अब तुम बेबी डॉल? गो टू स्लीप, मम्मा सेज गो टू स्लीप। सो जा, सो जा। तंग कर रही है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। इस बच्ची के आने के बाद घर में सब कुछ अच्छा हो गया। नहीं पर तुमने बंटवारे की लाइंस क्यों हटा दी? सब कुछ तो ठीक था, ऐसा क्या हुआ अचानक? नहीं मतलब, इसके आने से पहले तुम्हें तो बहुत शिकायत थी वैभव से कि मम्मी हमेशा उसकी तरफदारी करती और वो नहीं बदला है, तो तुम क्यों बदले? ऐसा क्या कर दिया वैभव और श्रेया ने जो तुम उन पे इतने मेहरबान हो गए हो? किया उन्होंने हमारे लिए, उनकी वजह से तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है, उनकी वजह से तुम्हें ये मां बनने की खुशी मिली है। रोहित, कुछ पूछ रही हूं मैं, जवाब तो दो। ऐसा क्या बदल गया? नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बच्ची होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि घर में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। बस इसीलिए। और तुम भी तो यही चाहती होगी ना कि हमारी जो बच्ची है वो अच्छे और पॉजिटिव माहौल में बड़ी हो। आई लव दिस स्माइल, ऐसे तुम खुश रहो हमेशा। मम्मा की ये स्माइल बहुत अच्छी लगती है ना? तुम्हारी स्माइल भी बिल्कुल वैसी होगी, है ना? ऐसी है उसकी स्माइल।
भाभी भाभी जरा बाहर हॉल में आइए, आपके मायके से ना कुछ सामान आया है, लगता है आपके पापा ने ना पूरी की पूरी शॉप यहीं भिजवा दी है। मेरे पापा है शॉप तो क्या, वो तो पूरा मॉल खरीद लेंगे मेरे लिए। आओ ना। हाँ। चलो। हाँ, चलिए। आओ। ओह माय गॉड, मम्मी जी देखिए तो मेरे पापा ने बेस्ट ब्रांड के बेस्ट सामान भेजे मेरी लिटिल प्रिंसेस के लिए, है ना? लुक हाउ क्यूट दिस इज। हाँ, काफी महंगे गिफ्ट भेजे हैं, है ना मम्मी? हाँ हाँ, सारे बहुत महंगे और सब बेस्ट ब्रांड के। श्रेया, मैं सोच रहा हूँ ये सब अनाथालय में दान कर दूं, क्योंकि अब हमारे काम की तो है नहीं। अले ले ले ले, चुप हो जा मेरी लिटिल प्रिंसेस, क्यों रो रही है? इससे खेलेगी? देख नानू ने दिया है। लुक एट द सांता क्लॉज। क्यों रो रही है? भाभी भाभी लाइए, मैं चुप कराती हूँ अब। हाँ अब नहीं, मैं करा लूंगी चुप, माँ हो ना इसकी। हाँ, चुप हो जाओ। ओए ओए, स्टॉप क्राइंग। अब इसे खेलते हम लोग, इसे खेलते। लुक एट दिस। मेरी प्रिंसेस को आज क्या पहनाऊं? ये नो या टू डाल नो पिंक। ओके नो पिंक, ठीक है। ये यहां कैसे आया?
शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे, हर पल में हो शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ।